एटम का एक टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, छोटे पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, तो अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन दोनों नहीं कर सकते, क्या पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर हमें पोजीशन पता लग जाए तो उसका फिर मोमेंटम अनसर्टेन होगा, और अगर मोमेंटम पता लग जाए तो उसकी पोजीशन जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। सपोज इसको इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था, जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। अच्छा, मोमेंटम पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी, तो इस डेल्टा पी की जगह पे हम एम डेल्टा बी रख सकते, तो वेयर एम इक्वल टू हो गया मास ऑफ पार्टिकल और डेल्टा बी हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या पता लगता है, तो देखो अगर कोई पहले तो ये समझ गए कि दोनों एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम पता लग गया तो हमें पोजीशन क्लियर नहीं होगी, पोजीशन पता लग गया तो मोमेंटम क्लियर नहीं होगी, यानी दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सपोज कोई पार्टिकल है जिसका मास भी फिक्स है, वेलोसिटी उसकी फिक्स है, जब मास और वेलोसिटी फिक्स है तो उसका मोमेंटम भी निकल आएगा फिक्स, यानी उसका मोमेंटम क्लियर पता होगा। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, यानी उसका एरर कितना निकलेगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट निकाल लिया, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा पी की वैल्यू हो गई जीरो। अच्छा, अगर हम इस डेल्टा पी को, इस डेल्टा एक्स को नीचे ले जाएं, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें, जब डेल्टा पी हो गया जीरो, जब डेल्टा पी जीरो हो गया तो डेल्टा पी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये पूरी वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ जाएगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल आएगी इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो हो गई, यानी बिल्कुल मोमेंटम एग्जैक्ट निकल आया, तो फिर उसकी पोजीशन इनफाइनाइट तक, यानी उसमें अनसर्टेनिटी कहाँ तक आ जाएगी, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोजीशन पता लग गया, एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो फिर उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम पता लग गया तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, वो भी इनफाइनाइट तक। सेम उल्टा करके देखें कि अगर मान लो पोजीशन पता नहीं है, पोजीशन हमारी जीरो हो गई, तो फिर डेल्टा पी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो डेल्टा पी इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब अगर एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब एक क्लियर है अगर तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।